एक बार एक कर्नल साहब होते हैं, वो गलती से गड्ढे में गिर जाते हैं एक। Hey guys, I'm Prakshit and welcome to my YouTube channel. हाँ भाई देखो, आज वीडियो ऑन नहीं हुई थी क्योंकि कल की वीडियो बहुत ज़्यादा लेट डली है और वीडियो एडिटिंग करने लग गया था सवेरे और रेस्टोरेंट से कल रात को लेट आए तो रात को एडिटिंग करी ही नहीं थी मैंने। तो आज हम यूँ सोचे हम क्या दिखा सकते हैं, तो आज हमने सोचा कि अग्रोहा चलते हैं, एक वीडियो और बन जाएगी और आपको अग्रोहा का मंदिर और दिखा दिया जाएगा। तो बस अभी टाइम हो रखा है, कितना हो रखा है, तो टाइम हो रखा है 6:30 और हम वैसे निकल चुके हैं, 10-1 मिनट हो चुकी है, तो बस 1 घंटे का रास्ता होगा यहाँ से हमारे घर से। तो बस आगे का सीन देखो, बहुत देखना कितने ज्यादा बंदर है यार रोड पे। तो भाई ये जोड़ है मारे बैसा का स्विमिंग पूल है, कदम कदम मारा भी हो जाए। वैसे तो पता ही होगा सबको, फिर भी बता देना चाहिए। ये कौन सा गांव है, किसको पता है? मोट, चलो एक तो वो आपको पता था, मोट गांव में आ रखे है। हमने गलत रास्ता ले लिया था इसलिए। क्या वो रखी है मम्मी? चावल भी, चावल वो रखी है। धान जैसे हरियाणा साइड तो धान बोलते हैं, यहाँ पे जीरी और ये बाड़ी बोल रही है, कपास जो बड़ी है, ये बड़ी, ये बाड़ी है, ये बड़ी। ये क्या है? ये जीवार है, ये बड़ी बड़ी। हाँ, बेसू का चारा। तो यार बस 5 मिनट का ब्रेक लिया है, इधर कुआं था तो बहुत मम्मी यूं बोलती लो तो हमने कुएं में तो पानी और प्यादा तो हमने पिया होगा, नहीं पिया होगा, वैसे मैंने तो पी रखा है। तने पी रखा भाई छोरे? कप्तान साहब हमने पे जब नहा जाके तो उधर कुआं था पहले। तो देखो ये कुआं है, वैसे रियर कैमरे से और दिखा देता हूँ। और देखो ये थोड़ा सा अलग स्टाइलिश सा कुआं है। ओहो पूरा डीप है, कदे कदे फोन पड़ जाए। ओ आवाज आ रही है देख। हेलो परीक्षित पंगाल। हाँ ये क्या लग रही है, कॉटन कपास? पैर उलझ जाते तो यार पानी निकालते हैं, मैं निकालता हूँ। ये दिखा पे से गिर गया। इस पे रोटेशन पे रख, रोटे इस पे व्हील पे पुली पे। पूरी डीप चली गई है, बाल्टी और पानी आ गया है उसमें, और इस पे रख लेते हैं जिससे मेरे को आसानी हो जाए खींचने में। दिख रही है? ओह इस पे तो रोज आ जाए तो बाइसेप शोल्डर सारी बन जाए। पुल्ली पे खींच लू तो इस कहते हैं। हाँ भाई पीना है पानी इसमें तो ना। ओ पूरा चिल्ड पानी है भाई साहब एकदम। ओ, ना ले इसमें तो जो है ना, ये पहले फ्रिज ना होते थे ना गाँव में, तो ये मिट्टी में डाला गया था। ये पानी है ना फ्रिज के पानी से भी अच्छा होता है, प्रकृति के लिए चिल्ल फ्रिज का काम। प्राकृतिक ठंडा पानी है ये। एकदम चिल्ड पानी है पर पीने कल तो लग नहीं रहा है मुझे। ओहो और ये देखो कैनबिस का वो पौधा, गांजा गांजा, बताओ किसी को मंगवाना होता है। देखो बच्ची देखो कितना सारा लग रहा है, पूरा पौधा है। ये देखो कॉटन के फ्लावर हैं ये। तो इधर फोटो सेशन चल रहा है देखो। वाह मैं भी खिंचवा लेता हूँ थोड़े बहुत। हाँ और देखो फोटोज देखनी है तो मुझे इंस्टा पे फॉलो करो, परीक्षित पंगाल नाम से आईडी है।
ये देखो पोज बना रखा है यार, फोटो सेशन हो गया हमारा पूरा और हम आगे चल पड़े और इधर ही हमने 7:30 बजा दिए और 8 बजे मेरे ख्याल से अगर वहां का मंदिर ही बंद हो जाता है। ओहो ये तो पोपट हो गया हमारा। तो देखते हैं अगर कोई बढ़िया सी चीज मिली तो रास्ते में आपको जरूर दिखाएंगे और जैसा भी प्रोग्राम होगा आपको पता चल जाएगा। बाय बाय। ये देखो घोड़े रोड पे भाग रहे हैं, किसी के खुल के आए हुए, मेरे ख्याल से सबके वो तो लगा हुआ है पट्टा टाइप। क्या ये मारा घोड़ा एक कौन सा गांव आ गया मम्मी? मिर्चपुर। मिर्चपुर के साइड से जा रहे हैं वैसे। एक चुटकुला सुनाओ। चुटकुला याद आ रहा है मेरे? चल तो चुटकुला सुना। वाह चुटकुला सुन लो भाई कप्तान साहब का। तो भाई एक बार एक कर्नल साहब होते हैं, वो गलती से गड्ढे में गिर जाते हैं एक। तो भाई वो कहते हैं कि भाई सारे जवान वान आते हैं, सूबेदार सूबेदार सब आते हैं कि अरे यार कर्नल साहब गड्ढे में गिर गए, कर्नल साहब गड्ढे में गिर गए, इन्हें निकालो। अच्छा। तो जैसे ही भाई वो सारे जवान नीचे गड्ढे के अंदर रस्सी फेंकते हैं, रस्सी फेंकते ही कर्नल साहब है ना रस्सी चढ़ के आते हैं, फिर एकदम से जवान की जैत निकट जाती है, कर्नल साहब उल्टे गिर जाते हैं, फिर जवान फिर फेंकते हैं रस्सी, फिर कर्नल साहब ऊपर चढ़ के आते हैं, फिर वो जैत कर देते हैं सल्यूट कहते थे, फिर कर्नल साहब नीचे गिर जाते हैं। तो एक जवान बोलता है यार ये तो दिक्कत हो गई, ऐसे तो गिरते ही रहेंगे ये, इनसे बड़ी रैंक के बंदे को बुलाओ। तो ब्रिगेडियर साहब को बुला देते हैं, ब्रिगेडियर साहब अब रस्सी फेंकते हैं, कर्नल साहब ऊपर चढ़ जाते हैं, तो अब कर्नल साहब जहित कर देते कर्नल साहब फिर नीचे, फिर ब्रिगेडियर साहब फिर फेंकते हैं, कर्नल साहब को खींचते हैं, कर्नल साहब जहित करते हैं, फिर नीचे नीचे से कर्नल रुका मरता है, अरे मेरे बैचमेट को बुला दो भाई, कर्नल रैंक को ही बुला दो, चढ़ जाऊंगा मैं ऊपर। वो मिलिट्री जोक्स सुना दिए और एक मम्मी भी सुना। एक बार मैं है ना बारिश के ऊपर सुनाती हूँ, जैसे बारिश का मौसम हो रहा है ना, एक बार है ना जैसे गांव का है ना, दो आदमी थे जैसे मियां बीबी है ना, पिक्चर देखने गए, तो है ना वहाँ पे बारिश हो रही थी पिक्चर के अंदर, तो उन जो उसकी घरवाली थी ना वो बोली नुकर जाए रहे चल कर चल आगे अपने तो नगो से निकल बाहर निकले तो धूप निकले नु बोले चाहे रहे बीस ब्याज लिए चल तो देखे लिया उल्टा थिएटर में बढ़ जाओ। ये वैसे हरियाणवी लैंग्वेज में सुनाया गया है तो जिस जिसके समझ आ जाए वो कमेंट सेक्शन में बता देना। वाह पूरा मखौल हो गया आज तो। लतीफे सुनाए जा रहे हैं काफी ज्यादा। वाह रास्ते में हमने कई मौसम भी देख लिया, पूरी तेज बारिश आ रखी है, मस्त आज तो फुल लॉन्ग राइड हो गई है, सारे बस पापा रह गए वरना पूरी फैमिली इकट्ठी हो गई थी। पापा कहाँ बिजी, हम ये और बता देते हैं आपको, हमारा और क्या ट्यूबवेल खराब सोसाइटी का, तो पापा करवा रहे प्रधान गली की, मेरी मम्मी बन रही है पर काम पापा करवा रहे हैं, या यूं कह मैं तो चलूंगी राइड पे, मैं क्यों नहीं चलूं। पापा तो वहां पर रह गए घर पे ट्यूबवेल ठीक करवा रहे हैं। और ये देखो हमारे साथ इतनी कितनी देर हो गया, पर 40 किलोमीटर तो होगी अभी, 40 जान की 80 किलोमीटर की राइड मार दी मैं हमारे साथ, और प्रधान भी खुद बन रही, पापा का नाम भी नहीं कही। दुखी मेरे पापा हमारे। ऐसी बात नहीं है, मैं करती हूँ अपनी सोसाइटी के काम। जैसे जब बस पैसों का काम करती है, जब यूं हो ना कि यो चीज ले आनी है, जब अब प्रधान मैं हूँ, पापा नहीं है कहीं भी। तो यार घूम फिर के हम वापस आ गए थे, अब हम यूँ सोचा जूस पी आते हैं दोनों भाई जाके, और बीच में हमें काम और बता दिया गया है, यूँ कह दिया है आते आते आलू और घिया लेके आनी है। ये फुहारा चौक है भाई, पहुंच गए जूस वाली शॉप पे और ऑर्डर कर दिया है। तो ये बताओ देखो भाई, दो दिन से मेरे को यूँ बेवकूफ बना रखा है कि माउंट आबू जा रहे हैं हम, और माउंट आबू लेके नहीं जा रहे हैं, बताओ कहाँ पे जा रहे हैं, क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? क्योंकि 800 किलोमीटर मुझे दूर लगता है। तो दूर में दिक्कत क्या है, खुद की गाड़ी में जाना है, दुखी हो जाएंगे। अच्छा चल तो कोई और ऑप्शन बताओ, तो जोधपुर 550 किलोमीटर है, दूसरा ऑप्शन जयपुर, मैं उधर किले का के देख कर हर जगह किले ही है, महंगी बिल्कुल पहाड़ पे जाएंगे, लैंडस्लाइड हो रखे वहाँ पुष्कर में, मेला बना रखा है पुष्कर में, ऊँटों का मेला लगता है बस आखिरी में हमें ना मोस्ट मामा ही कर रहे हैं।
हाँ देख लो अब कल ये 10 बजे वीडियो आ जाएगी आपके पास, अब देख लो आज की रात में आखिरी वो है, आज कल चले गए तो चले गए, फिर मिल जाएंगे। डिबेट चालू रखते हैं तो बहुत ज्यादा बड़ी चलने वाली है, और अगर हम कल जाते हैं कहीं पे तो आपको पता चल जाएगा, और थोड़ा सा सस्पेंस खेलते हैं इसी में। सस्पेंस आपके साथ तो क्या खेलूं मैं, मेरे को ही नहीं पता कहाँ जाने वाले हैं। तो यार सारे डिसीजन फेल हो गए हमारे, कोई डिसीजन नहीं बना है अभी भी। और फिर मेरी माँ डिबेट से उठ के यूं मैं तो रोटी बनाऊं, पापा यूं बोले मेरे को टीवी देखने दो, भाई अपना मोबाइल चला लगा, मैं माँ तो रहा जाए, तो भाई कोई डिसीजन नहीं हुआ है। अच्छा वो सब छोटा बना क्या रहे हो ये बताओ। मैं आज आलू तरी के बना, आलू तरीदार आलू, आलू टमाटर की सब्जी। हाँ। वाह आलू टमाटर खाते हैं, और मेरे को लगे नीरा कहीं जाएंगे ना, जाएंगे पक्का 100%। नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि पनाड़ फैमिली कहीं गई है या नहीं गई। आलू टमाटर की सब्जी बनाते हुए जिसमें प्याज कच्चे छोड़ रखे हैं, और टमाटर भी ऐसे ही है, और नमक सिर्फ खुद के बटा लगा है इसमें सारी। क्या बोलना चाहोगे इस बारे में? वो तो मैं बना ही दिखाऊंगी नहीं तेरे को, बनी हुई दिखाऊंगी। ठीक है। वाह कितनी स्पीड है आपकी, हमें तो इतना टाइम लग जाता, और आपकी पतली भी है रोटी, अनुभव अनुभव बोलता है। बाकली खाओ उल्टी टी शर्ट पहन रहा है ना, सीधी है। ना आती है मेरे को तो नहीं आती ना, हाँ तो आप जैसी तो मैं बना ही नहीं सकता। फिर उसको थोड़ा सा ऐसे दबाओ। मैं जितना 23 साल का हूँ उतने का तो आपका अनुभव है। उससे भी ज्यादा का। हाँ यूं देखता हूँ फ्रीज में कुछ रखा है खाने का, और केक रखा है, ये क्या है घेवर, ओ भाई साहब घेवर है, खा लूंगा चुप के, पर वीडियो देखेगी तो पता चल जाएगा। वैसे मेरा मना है घेवर, मतलब मना तो क्या, मैं नहीं छोड़ रखा, चलो इतना सा खा ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतना सा ही लिया, वैसे तो थोड़ा ही है, पर छुप के खाना पड़ता है, वीडियो में कल देख लेगी, अभी हाथ से ना छीन ले। और बड़ा टेस्टी लगता है। घेवर का टाइम आ गया, पूरा मावे वाला घेवर और खाऊंगा कल, लेके आऊंगा। तो यार बस खाना डाल दिया था, अब खाना खा के बस, और तो अब सोने का है, इधर घूमने फिरने के लिए पार्क नहीं है जींद में, कहीं भी नहीं है पूरे जींद में, हमारे घर के आसपास तो क्या बताऊं मैं। तो यार बस अब रोटी खा लेता हूँ, और आज की वीडियो बस इधर ही खत्म कर देता हूँ मैं, काफी बड़ी वीडियो बन गई होगी मेरे ख्याल से, तो मेहनत मेरी, रहमत उसकी, और प्यार आप लोगों का। बाय बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो।